रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज थर्सडे 12 नवंबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज गुरुवार आज 12 तारीख नवंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाकेलोमे के द्वारा आज जो सिखाया जा रहा है वो विषय हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझेंगे, और जो परमेश्वर हमारे जीवन में इस सीखने के अंदर से बदलना चाहता है हमारे जिंदगियों में वो बदलने दे, और हम इसे ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ। हम इसके अनुसार अपने जिंदगी को सिधाई के रास्ते के अनुसार बनाते हुए चलेंगे। इसे हम इग्नोर नहीं करेंगे, अज्ञान नहीं रहेंगे जो हमें सीखने के लिए मिल रहा है, तो हमारी अज्ञानता इसमें से दूर होगी। हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सीखेंगे। जो विषय आज पास्टर क्रिस ओयाकेलोमे के द्वारा दिया गया है वो इस प्रकार से है, यूहन्ना के 17:22 के आधार से सिखाया जा रहा है। इंग्लिश में यह विषय इस प्रकार से है, ग्लोरीफाइड इन क्राइस्ट, और हिंदी में इसका अर्थ बनता है मसीह में महिमा हो गई। मसीह में महिमा हुए, ठीक है। तो यूहन्ना 17:22 इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से लिखा है, एंड द ग्लोरी विच दाउ गेवस्ट मी आई हैव गिवन देम। 17:22 हिंदी बाइबल में इस प्रकार से है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। इतना ही वचन इंग्लिश में भी लिखा गया, पढ़ा गया है, यहाँ पर समझने के लिए इतना ही लिया हुआ वचन है, लेकिन पूरा वचन जो है वो इस प्रकार से है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। ये पूरा वचन है, और सीखने के लिए जो इसके अंदर का भाग लिया गया है वचन के अंदर का, वह इंग्लिश में यहाँ तक ये भाग लिया गया है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। बीइंग बॉर्न अगेन यू आर नॉट एन इनसिग्निफिकेंट स्पेक इन द डस्ट, यू हैव ऑनर एंड ग्लोरी इन क्राइस्ट। आप नया जन्म पाए हुए होने के कारण आप इस प्रकार से, जिसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं हो सकता है और पहचाना नहीं जा सकता है, ऐसा कोई धूल का आप कण नहीं हो। आप आदर और महिमा पाए हुए हो मसीह के अंदर। दिस ग्लोरी रेफर्स टू द परफेक्शंस ऑफ ब्यूटी, द एक्सलेंस ऑफ डिविनिटी एंड इट्स एक्सप्रेशंस, द ऑनर ऑफ गॉड एक्सेट्रा। यह जो महिमा हमने पाया है वह इस बात को दर्शाती है जो सिद्धता है सुंदरता में और उत्कृष्टता ईश्वरीयता में, और उस भाव को जो परमेश्वर का आदर है उस भाव को भी यह दर्शाता है। जीसस इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड्स पर्सन, द ब्राइटनेस एफल्जेंस आउटशाइनिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर जो व्यक्ति मतलब व्यक्ति रूप है उसका ही वह रूप धारण किया है, और वह पूर्ण प्रकाशमय है, और उसकी महिमा चमक उठती है जो परमेश्वर की महिमा है। द बाइबल सेज गॉड गेव हिम हिज एक्सेलेंट ग्लोरी, Hebrews 1:3। पवित्र बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसको उत्कृष्ट महिमा दी है, यह इब्रानी के पहले पत्री 3 में लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व के छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर
ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। नाउ हियर इज द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट। जस्ट बिफोर ही वॉज क्रूसिफाइड ही प्रेड अ वेरी टचिंग प्रेयर टू द फादर ऑन आवर बिहाफ। अब यहाँ कुछ ध्यान खींचने वाला भाग है, बिल्कुल उस समय के पहले जहाँ वह अब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसने प्रार्थना की जो बहुत ही छू लेने वाली प्रार्थना थी। वो प्रार्थना उसने पिता को की हमारे खातिर। ही सेड एंड द ग्लोरी विच दाउ गेवेस्ट मी आई हैव गिवन देम। उसने ये कहा जो यूहन्ना के 17 अध्याय 22 में लिखा है, जॉन 17:22 में जो लिखा है, यूहन्ना के 17 अध्याय 22 वचन हम पढ़ेंगे, एंड द ग्लोरी विच दाउ गेवेस्ट मी आई हैव गिवन देम। यूहन्ना का 17 अध्याय 22 वचन पहले हमने पढ़ा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, ऐसा उसने कहा। ही गेव अस द सेम ग्लोरी द फादर गेव हिम सो दैट वी वुड बी वन विद हिम एंड द फादर जस्ट एज ही एंड द फादर आर वन। उसने हमें वही महिमा दिया जो पिता ने उसको दिया था, वो इसीलिए उसने दिया कि हम एक हो जाए उसके साथ और पिता के साथ। बिल्कुल जैसा वो और पिता एक है, वैसे हम एक हो जाए यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ। टुडे यू हैव द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर द सेम ग्लोरी ही गेव टू जीसस। अब आज जो आपके पास महिमा है परमेश्वर पिता की, वह वही महिमा है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया था पिता ने। यू मे बी थिंकिंग राइट नाउ, कैन समवन लाइक मी हु हैज डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हैव द ग्लोरी ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। अब आप ये सोच रहे होंगे इस समय, बिल्कुल यही समय ऐसा सोच रहे होंगे, क्या संभव है ऐसा कि मुझ जैसे जो इतने गलतियां कर रखी है, इस प्रकार का परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन में दिया जा सकता है? श्योर यू डू नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन। बिल्कुल दिया जा सकता है और आपको दिया जाना है अभी जब आपने नया जन्म पाया है। द बाइबल सेज फॉर ऑल हैव सिंड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस, रोमन्स 3:23-24 वर्स। पवित्र बाइबल इस प्रकार से रोमियो की पत्री में कहता है, 3:23-24 वचन में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। बिफोर जीसस केम एवरीबडी वॉज लेबल्ड अ सिनर। जब यीशु मसीह आना था, उससे पहले सभी के ऊपर यह एक लग चुका हुआ एक इस प्रकार का नाम कि वह पापी है। जीसस हाउएवर डेल्ट विथ द प्रॉब्लम ऑफ सिन वंस एंड फॉर ऑल। प्रभु यीशु मसीह फिर भी पाप के सारे परेशानियों को एक ही समय और संपूर्ण रीति से मुकाबला करके उसको निपट लिया। Therefore, if because of sin we came short of the glory of God, now that the problem has been dealt with, we are no longer short of the glory of God. इसीलिए
अगर पाप कारण है कि हम परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, तो अब पाप का मुकाबला हो चुका है, निपट लिया गया है। अब हम कहीं पर भी परमेश्वर के महिमा के बिना नहीं है। We are His glorified ones according to Romans 8:30. Moreover, whom He did predestined, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Hallelujah. और हम महिमा पाए हुए हैं, उसकी महिमा पाए हुए लोग हैं, जैसे कि रोमियो के 8 अध्याय के 30 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। अब हम कबूली करेंगे। जो कबूली हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दोहराइए, अगर आप हिंदी में उसे दोहराना चाहते हैं आप हिंदी में दोहराइए, लेकिन कबूल करते समय मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी बात है। आवाज़ उठाकर विश्वास को ऊंचा करते हुए दृढ़ता के साथ हमने ये कबूल करना है। आई एम द ग्लोरी ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की महिमा हूँ, ये हमारे कबूली है आज। I am the glory of God. I exude and manifest righteousness, excellence and perfection today and always. My life is one of ever increasing glory. The Holy Spirit, the Spirit of glory, lives in me in His fullness. Through the study and meditation on the word, I'm constantly transfigured from glory to glory. Praise God. हम इसे हिंदी में कबूल करेंगे। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। मैं बाहरी तौर पर और प्रकट करने में धार्मिकता को प्रकट करता हूँ, उत्कृष्टता और सिद्धता आज और हमेशा। मेरे जीवन में सदा बढ़ती रहने वाली महिमा है। पवित्र आत्मा, जो महिमा का आत्मा है, वह मुझ में रहता है, उसकी संपूर्णता में। इस अभ्यास के द्वारा और वचन के मनन करने के कारण मैं लगातार महिमा से महिमा में परिवर्तित होता जाता हूँ, बदलता जाता हूँ। प्रेस गॉड, स्तुति हो परमेश्वर की। आज जो वचन हमको दिया है मनन करने के लिए वो है 2 Corinthians 3:10-11, Romans 8:30, Isaiah 60:1-2.
दूसरा कुरिन्थियों 3:10-11, रोमियो की पत्री 8:30, यशया की भविष्यवाणी 60:1-2। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिंथियंस 3:10-11, फॉर इवन दैट विच वॉज मेड ग्लोरियस हैड नो ग्लोरी इन दिस रिस्पेक्ट बाय रीजन ऑफ द ग्लोरी दैट एक्सेलेथ, फॉर इफ दैट विच इज डन अवे was glorious, much more that which remaineth is glorious. दूसरा कुरिन्थियों 3:10-11, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। Romans 8:30, मोर ओवर होम ही डिड प्रीडेस्टिनेट देम ही ऑल्सो कॉल्ड, एंड होम ही कॉल्ड देम ही ऑल्सो जस्टिफाइड, एंड होम ही जस्टिफाइड देम ही ऑल्सो ग्लोरीफाइड। Romeo 8:30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। Isaiah 60:1-2, अराइज शाइन फॉर thy लाइट इज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रीजन अपॉन thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Yeshaya 60:1-2, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। 1-year Bible reading plan, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में Hebrews 10:19-39, Ezekiel 3:4-4, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 10:19-39 तक, और यहेजकेल के भविष्यवाणी 3:4। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 10:19 39th verse तक। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Thank you, Abba, Father God. And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another,
and so much the more, and as ye see the day approaching. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. But a certain fearful looking for a judgment, of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy who hath trodden under foot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord, and again the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. But call to remembrance the former days, in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions, partly whilst ye were made a gazing stock both by approaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 वचन से आगे, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हम दोबारा ये वचन पढ़ेंगे, 19 वचन, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए।
Amen. Thank you, Jesus. Shabarakatana namakaha hatiyantu kambaraka siyanduro. Ridana namakaha hasiyantu kambaraka larahasta. Ayi skil barakam tohal taha laraha hatiyantu kambara. Raddena namakaha haseke berreke larabaha. Ankil barakum barakush hatkin barakasa. Thank you, Jesus. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे को की चिंता किया करें। ये वचन दोबारा पढ़ेंगे हम अपने लिए ये वचन को समझेंगे, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आई थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस। 25 वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। 26 वचन, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। 27 वचन, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। रदेन नमकः हसियान्तु कंबरा वि हल्लरबः हतियान्तु कंबरा खसियान्तु रो। 28 वचन, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Riba khala rasiyan dururo do kandara hasta. Shabere bere bere khela rahasta. Urobu khom lo rosel rasiyan skulbara. Riryan stura haste. We thank you, Jesus. 32 vachan. परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। शबरे गेले रबहा हसियान तुरो रियान तुरो रिदानना कहा हसेले रहासियान स्कुल बरहा क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओ आमेन अब्बा फादर, आमेन जीसस।
शा बरा 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 खल रा रियान तुरोरो रे दिने ने के है हसियान दुरो। 37 वचन, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। 38 वचन, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। एजेकियल 3rd chapter फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, एजेकियल इट्स द रोल गॉड शोज हिम द रोल ऑफ प्रोफेसी। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, मोर ओवर ही सेड अनटू मी सन ऑफ मैन ईट दैट दाउ फाइंडेस्ट ईट दिस रोल एंड गो स्पीक इन अनटू द हाउस ऑफ इज़राइल। सो आई ओपन्ड माय माउथ एंड ही कॉस्ट मी टू ईट दैट रोल एंड ही सेड अनटू मी सन ऑफ मैन कॉस दाय बेली टू ईट एंड फिल दाय बावल्स विद दिस रोल दैट आई गिव दी देन डिड आई ईट इट एंड इट वॉज इन माई माउथ एज हनी फॉर स्वीटनेस एंड ही सेड अनटू मी सन ऑफ मैन गो गेट दी अनटू द हाउस ऑफ इज़राइल एंड स्पीक विथ माई वर्ड्स अनटू दैम फॉर दाउ आर्ट नॉट सेंट टू अ पीपल ऑफ अ स्ट्रेंज स्पीच एंड ऑफ एन हार्ड लैंग्वेज बट टू द हाउस ऑफ इज़राइल नॉट टू मैनी पीपल ऑफ अ स्ट्रेंज स्पीच एंड ऑफ एन हार्ड लैंग्वेज whose words thou canst not understand. Surely had I sent thee to them that would have hearkened unto thee. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me. For all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Behold, I have made thy face strong against their faces, and thy forehead strong against their foreheads. As an adamant harder than flint have I made thy forehead. Fear them not, neither be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. Moreover, he said unto me, Son of man, all my words that I shall speak unto thee, receive in thine heart, and hear with thine ears, and go, get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord God, whether they will hear, or whether they will forbear. Then the Spirit took me up, and I heard behind me a voice of a great rushing, saying, Blessed be the glory of the Lord from his place. I heard also the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels over against them, and a noise of a great rushing. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. Then I came to them of the captivity at Tel Abib, that dwelt by the river of Chebar, and I sat where they sat, and remained there astonished among them 7 days. And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doeth turn from his righteousness and commit iniquity,
and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sin. And his righteousness which he had done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doeth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. And the hand of the Lord was there upon me, and he said unto me, Arise, go forth into the plain, and I will there talk with thee. Then I arose and went forth into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there, as the glory which I saw by the river of Chebar, and I fell on my face. Then the Spirit entered into me, and set me upon my feet, and spake with me, and said unto me, Go, shut thyself within thine house. But thou, O son of man, behold, they shall put hands upon thee, and shall bind thee with, they shall put bands upon thee, and shall bind thee with them, and thou shalt not go out among them. And I will make thy tongue cleave to the roof of thy mouth, that thou shalt be dumb, and shalt not be them a reprover, for they are a rebellious house. But when I speak with thee, I will open thy mouth, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God, He that heareth, let him hear, and he that forbeareth, let him forbear, for they are a rebellious house. Chapter 4, by the type of a siege, is showed the time from Jeroboam's defection to the captivity. By the type of a siege is showed the time from Jeroboam's defection to the captivity. First verse se padhenge. Thou also, son of man, take thee a tile and lay it before thee, and pour clay upon it, the city, even Jerusalem, and lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it. Set the camp also against it, and set battering rams against it round about. Moreover, take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city, and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel. Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it. According to the number of the days that thou shalt lie upon it, thou shalt bear their iniquity. For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days, 390 days. So shalt thou bear the iniquity of the house of Israel. And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed thee each day for a year. Therefore, thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it. And behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege. Take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentils and millet and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, according to the number of the days that thou shalt be upon thy side, 390 days shalt thou eat thereof.
and thy meat which thou shalt eat shall be by weight 20 shekels a day. From time to time shalt thou eat it. Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin. From time to time shalt thou drink, and thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man in their sight. And the Lord said, even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them. Then said I, Ah, Lord God, behold, my soul hath not been polluted, for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces, neither came their abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith. Moreover, he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem, and they shall eat bread by weight, and with care, and they shall drink water by measure, and with astonishment, that they may want bread and water, and be astonished one with another, and consume away for their iniquity. यहेजकेल की भविष्यवाणी 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुँह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुँह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इसराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निःसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तो उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द और बड़ी ही घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी, और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर
तेलाबीब में रहते थे और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। पहरुए के रूप में यह एजकेल की नियुक्ति। 16 वचन से आगे, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तो मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तो उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तो दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधी न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। इक्कीस वचन, परंतु यदि तो धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यहेजकेल बोलने से असमर्थ। 22 वचन से आगे, फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहां भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तो निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालुक से लगाऊंगा जिससे तो मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। यरूशलेम की घेराबंदी का दर्शाया जाना। 4 अध्याय 1 वचन से, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रख कर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच, तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर, इस रीति से तो उसे घेर रखना। यह इसराइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तो बाई करवट लेकर लेट कर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तो उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तो इसराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तू यरूशलेम के घेरने के लिए बाह उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना।
देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट ना ले सकेगा। तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रख कर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना अर्थात प्रतिदिन 20-20 शकेल पर शकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना अर्थात प्रतिदिन हीन का छठवा अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कपड़ों पर कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इसराइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे। जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 पीटर 3:1-18 एजेकियल 43 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 पत्रस 3:1-18 और यह एचकेएल के भविष्यवाणी 43 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से 2 पीटर 3:1-18। इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइस्ट कमिंग टू जजमेंट। पहले वर्ष से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ष से पढ़ेंगे। दिस सेकेंड एज एपिस्टल बिलवड आई नाउ राइट अन टू यू इन बोथ which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perished. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which
the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burnt up. Seeing then that all those things shall be dissolved, what manner of persons ought ye be, ye to be, in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Therefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Yea, therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. Both now and forever. Amen. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय एक वचन से 18 वचन तक। प्रभु के आगमन का दिन, पहले वचन से पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है, और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान
आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघला जाएगा, पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जागते और तैयार रहो, 14 वचन से आगे। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंस कर अपने स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमेन। Ezekiel 43 chapter, the glory of God returns to the temple. First verse से पढ़ेंगे, King James version में से। Afterward, he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city, and the visions were like the vision that I saw by the river Chebar, and I fell upon my face. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate, whose prospect is toward the east. So the Spirit took me up and brought me into the inner court. And behold, the glory of the Lord filled the house, and I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me, and he said unto me, Son of man, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel for ever, and my holy name shall the house of Israel no more defile, neither they nor their kings by their whoredom nor by the carcasses of their kings in their high places, in their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them. They have even defiled my holy name by their abominations that they have committed, wherefore I have consumed them in mine anger. Now let them put away their whoredom and the carcasses of their kings far from me, and I will dwell in the midst of them forever. Thou son of man,
Shew the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities, and let them measure the pattern. And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the God. And the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof, and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them. This is the law of the house. Upon the top of the mountain, the whole limit thereof round about shall be most holy. That they may keep the whole form thereof, and all the ordinances of, and do them. This is the law of. This is the law of the house. Upon the top of the mountain, the whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house. And these are the measures of the altar after the cubits. The cubit is a cubit and an hand breadth. Even the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a span, and this shall be the higher place of the altar. Fourteenth verse, और उसके आगे, and from the bottom upon the ground even to the lower settle shall be 2 cubits, and the breadth 1 cubit, and from the lesser settle even to the greater settle shall be 4 cubits, and the breadth 1 cubit. So the altar shall be 4 cubits, and from the altar and upward shall be 4 horns. And the altar shall be 12 cubits long, 12 broad square in the 4 squares thereof. And the settle shall be 14 cubits long, and 14 broad in the 4 squares thereof. And the border about it shall be 1/2 cubit, and the bottom thereof shall be 1 cubit about, and his stairs shall look toward the east. And he said unto me, Son of man, thus saith the Lord God, these are the ordinances of the altar in the day when they shall make it, to offer burnt offerings thereon, and to sprinkle blood thereon. And thou shalt give to the priests, the Levites, that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord God, a young bullock for a sin offering. And thou shalt take off the blood thereof, and put it on the 4 horns of it, and on the 4 corners of the settle, and upon the border round about. Thus shalt thou cleanse and purge it. Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place of the house, without the sanctuary. And on the second day thou shalt offer a kid of the goats without blemish for a sin offering, and they shall cleanse the altar, as they did cleanse it with the bullock. When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish. And thou shalt offer them before the Lord, and the priest shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the Lord. 7 days shalt thou prepare every day a goat for a sin offering.
They shall also prepare a young bullock and a ram out of the flock without blemish. 7 days shall they purge the altar and purify it, and they shall consecrate themselves. And when these days are expired, it shall be that upon the 8th day and so forward, the priest shall make your burnt offerings upon the altar and your peace offerings, and I will accept you, saith the Lord God. यहेजकेल की भविष्यवाणी 43 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। भवन में परमेश्वर का तेज। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इसराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहाँ मैं इसराइल के बीच सदा वास किए रहूँगा। न तो इसराइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खम्भे मेरे द्वार के खम्भों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तो इसराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। यदि वे सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, वेदी की बनावट। 13 वचन से आगे, ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो, उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। वेदी का अर्पण। 18 वचन से आगे, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है,
जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सदोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तो पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तो उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन तक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तो उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तो उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तो प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे, इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।